उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तराखंड दौरे पर केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया, 2 घंटे तक पूजा अर्चना की, भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए, अखिलेश बोले कि ये कौन सी यात्रा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो सिंधु क्यों नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद भी श्री राम जन्मभूमि हमें वापस मिल सकती है तो पाकिस्तान का सिंध क्यों नहीं, कि अखंड भारत के हिस्से का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ जिसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ। और वहीं देखिए इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर राफेल ने आसमान में 7 गोते लगाए, सूर्य किरण ने दिल बनाया, 29 लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम, 20 लाख लोगों ने ये एयर शो देखा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दर्शकों की भीड़ कितनी ज्यादा तादाद में है। इंडियन एयरफोर्स डे के 91वें दिवस के मौके पर लाखों लोगों की भीड़ गवाह बनी, भारतीय वायु सैनिकों ने आसमान में कलाबाजियां और गजब के करतब दिखाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 72 साल बाद भारतीय वायुसेना ने अपना पुराना झंडा भी बदला और अब कुछ नया झंडा यूं होगा तिरंगे के साथ में। चलिए अगली बड़ी खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी का दौरा किया। IIT BHU के छात्रों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री बोली कि नौकरी के लिए कहीं भी जाएं लेकिन लौट कर अपने वतन जरूर आएं। राम मंदिर पर अपडेट आ रहा दोस्तों, राम मंदिर के प्रथम तल का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। ट्रस्ट की 2 दिन की बैठक पूरी हुई, 15 नवम्बर के बाद द्वितीय तल का कार्य शुरू किया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, वाराणसी में रहते हैं, अगर आपने भी आपका पालतू डॉग पाल रखा, कुत्ता पाल रखा ना, तो जरूर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वाराणसी नगर निगम की टीम की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, आप अपने पालतू पेट्स का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, वरना 500 से लेकर 5,000 रुपए तक का अर्थदंड लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, अयोध्या के बाद सोलर सिटी बनेगा लखनऊ, चलाया जाएगा हर घर सोलर अभियान। रामनगरी अयोध्या के जैसे ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी सोलर सिटी बनाया जाएगा और इसके लिए योगी सरकार घर घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी योजना देने की भी घोषणा की है। और पशुपालकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, 5 महीने में 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार, कई लोगों को 11 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इसके लिए योगी सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया, मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना और दूसरी जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है ना, उसके तहत 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इन योजनाओं में पशुपालकों को अपनी गायें कितने कितने दूध देती हैं उस हिसाब से पुरस्कार राशि भी देगी और 35 नए डेयरी स्थापित भी किए जाएंगे। पुरस्कार वगैरह के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे किसानों के हित में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, आलू बीज की विक्रय दरें भी निर्धारित कर दी है। प्रति क्विंटल के हिसाब से अब प्रथम आलू 2325 रुपए और द्वितीय आलू 1915 और ओवर साइज 1655 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ये मतलब आलू बीज की विक्रय दरें तय की गई है। अच्छा खबर है, शाहजहांपुर में अनोखी पहल देखिए, प्लास्टिक की 1036 बोतलों से बनाया गया ग्लोब और ये अनोखा संदेश दिया गया कि हमारे पर्यावरण को बचाएं, प्लास्टिक मुक्त करें, क्योंकि प्लास्टिक मानव जीवन के साथ साथ प्रकृति के लिए भी बड़ा खतरा है। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर आंकड़ा सामने आ रहा है। देखिए आप डेटा जारी किया, हर घंटे 5 अपराधियों को सजा दी गई और हर 90 दिन 1 अपराधी को फांसी की तक सजा हुई। कोर्ट ने 3 महीने में ही 11,639 केस में फैसला दिया, ये मतलब पिछले साल भर का ऑल ओवर आंकड़ा सामने आ रहा, जिसको घंटे और दिन के हिसाब से निकाला गया तो ये गणित बैठती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले कि सपा सरकार में गुंडे माफिया आगे बढ़ते थे, अब उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर आने के लिए आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का टिकट देना भी नेतृत्व का फैसला है। बड़ी खबर है, अमेठी में महिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, मिशन शक्ति अभियान के तहत SP ऑफिस सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अच्छा यमुना तट को प्लास्टिक मुक्त कराने के लिए भी अभियान चला, नदी में बढ़ रहे पॉलिथीन से जलीय प्रजातियों के लिए भी खतरा बढ़ रहा, सभी से सहयोग की अपील भी की प्रशासन ने। अच्छा रेलवे से खबर है, बेलथार रोड में गोरखपुर लोकमान्य तिलक और पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस के ठहराव की घोषणा की गई, क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल देखा गया, ट्रेनों के ठहराव से रेल यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी। अच्छा गाजियाबाद में दारुल उलूम की तरह बनेगी सनातन वैदिक ज्ञान पीठ, बच्चों को सिर्फ सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, यहाँ 250 करोड़ का खर्च आएगा इसमें। गाजियाबाद में चल रहे सनातन कॉन्क्लेव में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा ने सनातन वैदिक ज्ञान पीठ बनाने का ऐलान किया है, जैसे मदरसा वगैरह होते हैं ना, वैसे यहाँ दाखिला लेने वाले बच्चों को सिर्फ सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अच्छा खबर है दोस्तों, भदोही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ हुआ, 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भी आएंगे आज यहाँ, 500 करोड़ से भी ज्यादा के व्यापार की उम्मीद है। भदोही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इंडिया कार्पेट एक्सपो फेयर का शुभारंभ कल रविवार से हो चुका है। चलिए बड़ी खबर है, एटा में कृषि मेले को लेकर किसानों को जागरूक किया गया, विधायक बोले कि किसानों के लिए सरकार योजनाएं चला रही है, मदद के लिए हमेशा तत्पर है। खबर है उत्तर प्रदेश के इस जिले में दुकानें खाली कराएगा DCF, 90 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल खबर है वाराणसी से, जिला सहकारी फेडरेशन की दुकानों व इसके परिसर को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी शुरू हो गई है। नदेसर स्थित DCF के 90 किरायेदारों को नोटिस देकर किरायेदारी संबंधित समस्त प्रपत्र भी तलब किए गए हैं। जांच में मानक अनुसार किरायेदारी की पुष्टि नहीं हुई तो भवन खाली करना होगा और प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की जाएगी। खबर है जम्मू कश्मीर में दशहरे के लिए पुतले बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हिंदू मुस्लिम कारीगर पेश कर रहे हैं भाईचारे की मिसाल, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 17.72% खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, उत्तर प्रदेश उत्पादन आयुक्त की तरफ से भी ये डेटा जारी किया गया। रेलवे से एक और बड़ी खबर है, पूर्वोत्तर रेलवे की 50 ट्रेनें 20 अक्टूबर तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। लखनऊ से
से यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। सीतापुर में रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है और इसी वजह से ये रेलवे ने फैसला लिया है। और इसके चलते दोस्तों नवरात्र दिवाली वगैरह के दौरान गांव गोट जाने वाले यात्रियों को भी कुछ परेशानी होगी क्योंकि काफी ट्रेनें लंबे समय तक के लिए भी कैंसिल की गई है। और एक अच्छी खबर आ रही है, बरेली होते हुए जल्द ही दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। बरेली पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक जीएम शोभन चौधरी की तरफ से यह घोषणा की गई है। हालांकि रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है, यात्रियों की सहूलियत के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी जिनका बरेली जंक्शन पर भी ठहराव होगा ताकि त्योहारों के दौरान घर पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। चलिए खबर है, 12 अक्टूबर को राम बारात का आयोजन होगा। गणेश पूजन से शुरू होगी रामलीला 26 अक्टूबर तक चलेगी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ महानगर में ये रामलीला महोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए शरद पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण का साया रहेगा, आसमान से नहीं बरसेगा अमृत, दिन में ही पूरे होंगे अनुष्ठान। 9 सालों के बाद शरद पूर्णिमा पर यह चंद्रग्रहण का संयोग बन रहा है जो भारत में भी दृश्यमान होगा। और इससे पहले ये तो 28 अक्टूबर को लगेगा चंद्रग्रहण, इससे पहले 14 अक्टूबर को अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो मंदिरों के कपाट वगैरह जल्दी बंद कर दिए जाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर है, टाटा टिस्कॉन के विशेषज्ञ बताएंगे गृह निर्माण की बारीकियां। 10 तारीख को सलाहकार बात पतेकी का कार्यक्रम आयोजन होगा। वाराणसी जिले के ग्राम प्रधानों और आर्किटेक्ट व ठेकेदारों को घर को मजबूती से बनाने के लिए ये बारीकियां बताई जाएगी टाटा टिस्कॉन द्वारा। खबर है हापुड़ में 18 तारीख को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित मोर्चे का होना है क्षेत्रीय महासम्मेलन, इसका कार्यक्रम भी तय किया गया। और इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव में आएंगे, यहां घोड़े पर सवार राजा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसको लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। राजा राव राम भक्त सिंह की 221वीं जयंती पर जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए। वहीं खबर है लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खुलेगा नौकरियों का पिटारा। कई विभागों में 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों से संबंध नहीं किए जाएंगे खंड विकास अधिकारी, इसको लेकर नया आदेश भी जारी हो चुका है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा खबर है 22,000 नए कैमरों से सेफ सिटी पर रहेगी पैनी नजर, सर्वाधिक हॉटस्पॉट वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना के तहत शहरों पर पैनी नजर रखने के लिए और अधिकारियों को पकड़ने के लिए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के तहत 22,000 कैमरे लगाए जाएंगे, सबसे ज्यादा वाराणसी में इंस्टॉल किए जाएंगे। खबर है 24 करोड़ की लागत से खुर्जा में बनेगा 4 लेन डिवाइडर, लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। 7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का 4 लेन हाईवे तैयार किया जाएगा। खुर्जा में दिल्ली कानपुर मार्ग पर स्थित कैलाश अस्पताल के समीप ये डेवलपमेंट होगा, योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद घोषणा की गई है। और वही देखिए बड़ी खबर, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बच्चों को हर महीने मिलते हैं 1200 रुपए। योगी सरकार की ये एक योजना चलती है दोस्तों, इसमें पात्रता वगैरह और आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल है bsvy.in, इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नाम पासवर्ड क्रिएट करके यूजर आईडी बनानी आपको, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस योजना के तहत यूपी सरकार बाल श्रम करने वाले लड़कों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1,000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए हर महीने देगी, जिससे कि आर्थिक स्थिति खराब हो ऐसे परिवार के ज्यादातर बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर सके। और वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्लान बनाया जा रहा, 10 करोड़ परिवारों तक भगवान श्री राम का रामलला का प्रसाद पहुंचाया जाएगा। खबर है हाथरस में 5.5 करोड़ की लागत से भरे जाएंगे 28 संपर्क मार्गों के गड्ढे, 32 किलोमीटर सड़कों पर हो रहा पेच वर्क। नोएडा में औद्योगिक भूखंड आवंटन का तय हुआ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तीनों प्राधिकरण में लागू होगा। किसान समेत अन्य 4 एजेंडा अगली बोर्ड के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। मनरेगा मजदूरों के लिए भी योगी सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसमें श्रमिकों के आय बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्लान बनाया है। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत 18 से 45 साल तक के मनरेगा श्रमिकों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग चीजों का हुनर सिखाया जाएगा मनरेगा श्रमिकों को, और इस तरह से उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी शुरू किया गया। मनरेगा कर्मचारियों को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य क्षेत्रों में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि मनरेगा कर्मी अपनी आय बढ़ा सके। उनकी आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ये काम करने जा रही है। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़ी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए बिना समय गवाए सीधे ले चलता हूं आपको अगले अपडेट में। देखिए आप प्रदेश में जल्दी बनेंगे टॉय और फर्नीचर पार्क, यूपी के कई शहरों में इसकी शुरुआत होगी। यीडा इसका निर्माण करेगा। प्राधिकरण ने गैर प्रदूषणकारी श्रेणी के 240 उद्योगों के लिए 4,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए आवेदन मांगे हैं, जो कि 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं कोई भी उद्योगपति वगैरह, जिसके तहत प्रदेश के अलग अलग शहरों में फर्नीचर, टॉय, खिलौना पार्क वगैरह लगाए जाएंगे, मतलब फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। अच्छी बात यह दोस्तों, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और स्वदेशी आइटम भी मिल पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए खबर, बीएचयू और बनारस स्टेशन पर आपको खादी उत्पाद नजर आएंगे, पूर्वांचल के जिलों में निकाली जाएंगी यात्राएं। खबर है योगी आदित्यनाथ का डंका फिर से विश्व में बजेगा, जेवर एयरपोर्ट के पास बनने जा रहा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो कि धमाल मचाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश को फार्मा एवं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हब बनाने के लिए जुटी योगी सरकार पीलीभीत और ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित कर रही है और इसका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और सैकड़ों उद्यमियों ने यहां निवेश करने की इच्छा भी जाहिर की है। ललितपुर में 2000 एकड़ में यह पार्क विकसित किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
ये मतलब योगी सरकार की नई पहल है ना। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की बहुत ही खराब सड़कें एक महीने में ही चकाचक हो जाएगी। योगी सरकार की तरफ से खास अभियान को लेकर बजट भी जारी कर दिया। सड़क निर्माण कार्य को मंजूर करते हुए 1327 करोड़ का बजट योगी सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत अगले एक महीने के अंदर अंदर प्रदेश की 6686 क्षतिग्रस्त सड़कों को रिपेयर किया जाएगा। और वही खबर है, योगी सरकार के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के बस अड्डों के हालात भी सुधरेंगे। 85 बस स्टेशनों की तैयार हुई है सूची, जिसमें बस स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। निर्भया योजना के तहत 100 बस स्टेशनों पर LED डिस्प्ले पैनल वगैरह भी लगाए जाएंगे। और बाकी बचे 85 बस स्टेशनों की तैयारी जो सूची जारी हुई है, जहां पर आपको जल्द ही रेलवे स्टेशन जैसी एडवांस सुविधाएं मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है, अभी भी एक बड़ा खुलासा सामने आया सर्वे में। देखिए आप, मध्यांचल विद्युत निगम क्षेत्र के 23,820 परिवारों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है। बिजली निगम के सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा आया। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कनेक्शन नहीं है तो भी डायरेक्ट करके चला रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं बिना बिजली के। वैसे यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर की जांच में भी कई खामियां निकली, उसके बाद मंत्रालय ने इनको भी ठीक करने का निर्देश जारी किया। चलिए खबर है, नोएडा में रजिस्ट्री और पोजीशन पर बड़े फैसले लेगी योगी सरकार। मंत्री ने बायर्स के लिए ऐतिहासिक निर्णय के संकेत भी दिए। जमीन मकान प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, कुछ नई नियमावली जारी की जाएगी। और वही खबर है, योगी सरकार अगले 5 महीनों के दौरान मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और पूरे प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में भी यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है। अब रबी की फसलों के लिए भी योगी ने नई रणनीति का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हर जरूरतों को पूरा करेगी योगी सरकार। रबी की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को नए नए बीज, नई नई तकनीक, नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक फसल उत्पादन के लिए देखिए कृषकों को भी दी गई ट्रेनिंग। इटावा में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों ने दिया प्रशिक्षण। अच्छा खबर है, गोरखपुर के 2 प्रोफेसर वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में शामिल हुए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिस्ट जारी की, दुनिया में हाई लेवल रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं में सेलेक्ट हुए हैं। ना सिर्फ गोरखपुर उत्तर प्रदेश का बल्कि इन्होंने पूरे देश का भी नाम बढ़ाया है, भारत का। अच्छा खबर है, शासन से रोक, फिर भी शुरू कर दी शिक्षक भर्ती। प्रयागराज के समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों में 64 रिक्त पदों पर कर रहे भर्ती, सीएम से हुई शिकायत। काशी विश्वनाथ के पुजारियों का बढ़ेगा वेतन, अब इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं के बराबर होगी सैलरी। अब सरयू तट पर 6 दिवसीय होगा रामायण मेला, 2 दिन बढ़ाया गया। कुछ अपडेट देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के जुड़े एक साथ। और काशी विश्वनाथ के पुजारियों का वेतन 40 साल बाद नियमावली तैयार की गई, उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा खबर है, BHU के PG और UG कोर्स में एडमिशन का अंतिम मौका CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। मोपअप राउंड शुरू हुआ, 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर के जिम्मे एक और बड़ा काम सौंपा योगी सरकार ने। बच्चों की सेहत पर नजर रखेंगे अब हेडमास्टर। सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, अगर स्कूल में बच्चों की तबियत खराब हो रही, कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी भी अब स्कूलों में हेडमास्टर की होगी। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और कनिष्ठ सहायक के 10,000 पदों पर भी भर्ती नवंबर से शुरू हो जाएगी। खबर है, यूपी के इस शहर में तैयार होंगे ड्रोन पायलट। कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो चुका, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में युवा कारोबारी अब कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ ये नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। और यहीं पर ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किया गया, जहां ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 17 अक्टूबर को ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण भी होगा। खबर है, चित्रकूट में 200 बेड के अस्पताल के उद्घाटन की मांग। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को बुंदेली सेना ने सौंपा पत्र। रोडवेज डिपो खोलने की भी उठाई गई मांग। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 6,63,000 आयुष्मान कार्ड बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 20 दिनों में मिले 65 लाख आवेदन। इससे पहले भी रिकॉर्ड यूपी ने ही बनाया था, और अब एक बार फिर से यूपी ने इसी आंकड़े में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, सांप को रेस्क्यू कर इलाज के लिए दिल्ली भेजा। बदायूं से 5,000 में बुक की टैक्सी। सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद एक्शन भी हुआ। दरअसल बदायूं में रेस्क्यू के दौरान लोहे के घटर से दबकर कोबरा सांप जख्मी हो गया, तो अब सांप को दिल्ली की वाइल्ड लाइफ SOS संस्था में इलाज के लिए भेजा गया। देखिए इसकी रिसिप्ट वगैरह भी। बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही, कन्नौज में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हॉस्पिटल। नर्सिंग होम संचालक बोला, 2 साल से बिना कागजों के चला रहा हूं अस्पताल। वाराणसी में डेंगू को लेकर एक्शन में प्रशासन। गांव में लिए जाएंगे ब्लड सैंपल, घर घर हो रही है स्क्रीनिंग। प्रशासन की सलाह है, बुखार होने पर खुद से न ले दवा। लखनऊ के CMO बोले, स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज की सुविधा है। 65 डॉक्टरों के नंबर भी जारी किए गए। स्वास्थ्य निदेशक अचानक पहुंचे जब अस्पताल। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल पीड़ित मरीजों से ली जानकारी। प्लेटलेट्स की उपलब्धता भी देखी। स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा आयुष्मान भव अभियान। गाजीपुर में 2274 मरीजों का उपचार किया गया, और स्वास्थ्य को लेकर जानकारी भी दी गई। हाथरस में भी बुखार का प्रकोप जारी है, एक और बुजुर्ग महिला की जान चलेगी। तेजी से वायरल फीवर फैल रहा, तो सावधान रहें जरा। बड़ी खबर है, 5 लाख के बजाय 50,000 में हो गई कैंसर की जटिल सर्जरी। 10 घंटे का लगा समय। ब्रेन स्टेम के ट्यूमर की सर्जरी कर डॉक्टरों ने युवक की जान भी बचा ली। लखनऊ में यह ऑपरेशन हुआ। जनरली इसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन 50,000 में काम निपट गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल नजर आ रहे हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा बरेली में भी 200 के पार पहुंचा। शहर के कई वार्ड डेंगू की चपेट में है। मौसम पर अपडेट है, यूपी के अधिकांश जिलों में साफ रहेगा आसमान। आज बारिश के कोई आसार नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए लखनऊ पहुंचे अफ्रीकी खिलाड़ी। 12 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा आमना सामना। क्या इकानों में भी दिल्ली की तरह बरसा पाएंगे रन, ये तो वक्त ही बताएगा। 12 तारीख को मैच में पता चल जाएगा। काश्यप
पदक विजेता गुलवीर से मिले एटा सांसद। एशियन गेम्स में इन्होंने पदक जीता था और सांसद ने इनके गांव में खेल मैदान बनाने का वादा भी किया। नई ऊंचाइयां छुई एशियन गेम्स में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जलवा दिखाई दिया। 14 खिलाड़ियों ने फहराया परचम। संतोष ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश टीम में मेरठ के आदित्य व विवेक का चयन हुआ। अच्छे प्रदर्शन से पाई जगह। चंदा क्लब टीम के कप्तान वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही रोजाना उत्तर प्रदेश की काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।